आखिरी क्लास चल रहा था 10 अप्रैल 1968 का। बात चल रही थी मैं तो एक बार ही आता हूँ, बार बार नहीं आता हूँ। शास्त्रों में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूँ। यह 24 अवतार लेता हूँ, 10 अवतार लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक ही बार आकर के रास्ता बताता हूँ। तुम ऐसे पवित्र वन विश्व के मालिक बन सकते हो, बाकी साक्षात्कार से कुछ नहीं होता है। समझो, साक्षात्कार करते रहेंगे फायदा तो कुछ भी नहीं होगा। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी बहुत करते रहे। मीरा ने साक्षात्कार किया, बैकुंठ का क्या, बैकुंठ में चली गई। तुलसीदास ने साक्षात्कार किया, सूरदास ने साक्षात्कार किया, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है साक्षात्कार में और ही माया की प्रवेशता हो जाए, इसलिए कभी भी साक्षात्कार का ख्याल नहीं करना चाहिए। ये तो स्कूल है ना, स्कूल में पढ़ाई होती है। ये सत्यनारायण की कथा है। झूठी बातें भी यहाँ सुनाई नहीं जाती। तो भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा करते हैं, सत्यनारायण की जीवन कहानी तो कुछ होती नहीं है। ऐसे ही लीलावती, कलावती, लकड़हारा, इनकी कहानियां सुनाते रहते हैं, सच्चाई कुछ होती नहीं है। वो सब कथाएं झूठी है। यहाँ तो नॉलेज है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी यहाँ दी जाती है। और नॉलेज को कथा भी नहीं कहा जाता है, नॉलेज तो सन्मुख दी जाती है। तो एक गुरु बैठ करके चेले के सन्मुख सुनाता है तो उसे नॉलेज कहेंगे? नॉलेज नहीं कहेंगे, ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्ञाता तो एक बाप ही है। एक बाप के अलावा सब ऋषि मुनि सन्यासी देवताएं आदि अज्ञानी हैं, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। एक बाप ही ऐसा है, आत्माओं का बाप, जो जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण सारी सृष्टि के आदि अद्यंत को जानने वाला है। और वो नॉलेज सन्मुख आकर देता है, ऐसे नहीं साक्षात्कार से नॉलेज दे देगा या कोई प्रेरणा से नॉलेज आ जाएगी या कोई के मुख से सुनाए देगा तो नॉलेज आ जाएगी, नहीं, सन्मुख आकर समझाते हैं। टीचर भी बैठ पढ़ाते हैं ना, ये तो सुप्रीम टीचर है। चक्र का राज सुनाते हैं और आत्मा जो पवित्र बनी है
अभी अपवित्र है। अपवित्र आत्मा को पवित्र बनाने के लिए कहते हैं, अब मुझे याद करो, मैं एवर प्योर हूँ। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जावेंगे। तो पुरानी पतित दुनिया में तो सात पतित हैं। पतितों को याद करने से और ही पतित बनते जाते हैं। पत्थर की मूर्तियों को याद करते हैं, पत्थर के लिंग को याद करते हैं और ही पत्थर बुद्धि बनते जाते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ, मुझे मेरे उसी रूप में याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। परंतु अब व्यभिचारी याद होनी चाहिए। माम एकम याद करो, कोई दूसरे की याद बीच में मिक्स नहीं होनी चाहिए, तो तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत सूक्ष्म है। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकेंगे, तो परमात्मा बाप इन आंखों से कैसे से देखने में आवेगा। साक्षात्कार से बिना विकर्म बिना सोंगे नहीं, योग से ही विकर्म बिना सोना है। तो साक्षात्कार की आस दिल में कभी भी नहीं रखो। ये भी भक्ति मार्ग की नूद ड्रामा में है, ये ज्ञान मार्ग की नूद नहीं है क्या? कोई को साक्षात्कार हो जाना, यज्ञ के आदि में बहुतों को साक्षात्कार हुए, तो जिनको साक्षात्कार हुए उनको ज्ञान मिल रहा था या भक्ति के साक्षात्कार हुए? भक्ति का फाउंडेशन पड़ा, भक्ति के साक्षात्कार हुए। ज्ञान तो कोई में था ही नहीं। अरे बाप उस समय प्रत्यक्ष ही कहाँ हुआ था? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो कब मनाया गया? 76 में मनाया गया। तो साक्षात्कार से सिर्फ अल्पकाल की मनोकामना पूरी होती है। तुम्हारी तो अखंड मनोकामना है। हम जीवन में रहते जन्म जन्मांतर सुख भोगे हैं, दुख न भोगे। बाकी साक्षात्कार से फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़ाई से तो फायदा होता है, और पढ़ाई ही टाइम लेती है। साक्षात्कार तो एक सेकंड का काम है। अल्पकाल की खुशी मिल जाएगी, वो कोई मेहनत की बात नहीं है, और पढ़ाई तो मेहनत की बात है। तो मूल बात है, आत्मा को सत्वप्रधान कैसे बना ले। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी जंक निकल जाएगी। ये विकारों की जंक है, जंक को निकालने के लिए क्या किया जाता है? घास तेल में डाला जाता है। तो आत्मा की जंक 63 जन्मों में चढ़ी है, तो घास तेल में डालना पड़ता है। मिट्टी का तेल कौन सा है? मिट्टी माना देह है, देह की मिट्टी। ये देह की मिट्टी, हाँ, वो घास तेल कौन है? जिस तन में प्रवेश करते हैं वो क्या है?
घास तेल हो गया। अब घास तेल जितना शुद्ध होगा उतना कट जल्दी उतरेगी, जन्म जन्मांतर के पाप कट जावेंगे। तुम घर जाकर फिर पहले पहले स्वर्ग में आ जावेंगे, तुम्हारी कट पहले पहले उतरेगी तो पहले पहले स्वर्ग में आ जावेंगे। तो सतो प्रधान भी बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। रोज देखो कोई को हमने दुख तो नहीं दिया, अगर दुख दिया तो कट चढ़ेगी उतरेगी? 63 जन्मों के हिसाब से चढ़ेगी या हिसाब यहाँ कोई और है? तो एक गुना पाप किया तो एक गुना कट चढ़ती थी, और यहाँ तो अगर ज्ञान में आकर बाप को पहचान करके फिर अगर पाप कर्म किया तो 100 गुना कट चढ़ती है। तो घड़ी घड़ी देखना चाहिए, मैं कोई को दुख तो नहीं देता हूँ, बाबा को याद करता हूँ, मेरे से कोई अवज्ञा तो नहीं हुई, अवज्ञाकारी तो नहीं बन पड़ा, सभी तरफ से बुद्धियोग हटाए माम एकम याद करो, तब ही आज्ञाकारी बनेंगे। कहते हैं ना आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार, कब बनेंगे? माम एकम याद करेंगे तो आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार बनेंगे, तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो इसमें साक्षात्कार आदि का कोई प्रश्न नहीं उठता है, पढ़ाई और याद मुख्य है। ऐसी पढ़ाई में कभी भी एब्सेंट नहीं रहना चाहिए, और ये पढ़ाई तो कहाँ भी पहुंचाई जाती है, गांवड़े में भी जाती है, शहरों में भी जाती है, समंदर के बीच में जहाज में चले जाओ वहां भी ये पढ़ाई जाती है, हवा में ऊपर उड़ जाओ एरोप्लेन में वहां भी ये पढ़ाई जाती है, विलायत में भी तो मुरली जाती है ना, चक्र का राज और बाप की याद, बस नॉलेज मिलती रहेगी। और ही तुमको गुई गुई पॉइंट सुनाता रहूंगा, दिन प्रतिदिन गुई गुई पॉइंट निकलती रहती है। तो बच्चों को मुरली रोज पढ़नी चाहिए, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, अब्सेंट ना हो जाए, ये तो पवित्र पढ़ाई है। पवित्र भी होना है, पढ़ाई भी पढ़नी है, देवताओं के आगे आस ले जाते हैं, यहाँ तो कोई आस ले आने की दरकार नहीं है, मन्नतें मांगते हैं ना, यहाँ कोई मन्नत आदि भी मांगने की दरकार नहीं है, बाप तो बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं, और किसी को पता ही नहीं है भगवान से क्या मिलेगा, भगवान तो आप ही सब कुछ देते हैं। मांगने से देवे तो क्या कहा जाए, भगवान तो कहते हैं कोई से कुछ भी नहीं मांगना, भगवान से भी कुछ मांगने की दरकार नहीं है, मांगते हैं इसका मतलब पुरुषार्थी नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, कमा के नहीं खाना चाहते, धरा धराया मिल जाए
बाप बच्चों को सब बातें बतलाते रहते हैं, ये भी मांगने के संस्कार पड़ते हैं। उसे एक बार मांगा, मुफ्त की चीज मिल गई, बड़ा आराम आया, फिर मांगने की दिल होगी। संस्कार एक के बाद एक करके पक्के होते जावे। तो मुरली से अंदर में जो भी बातें होंगी आप ही रिस्पॉन्ड मिलता जाएगा। क्या बाबा से बार बार कोई बात पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी। इतनी बार बोला, रोज की मुरली से रोज की रोजमर्रे की जो भी समस्याएं व्यक्तिगत जीवन में उठती हैं उनका समाधान मिल सकता है, अगर ध्यान से मुरली सुने तो। बाबा से कहेंगे धंधे में यह बात होती है, बाप कहते हैं मैं इन बातों को नहीं जानता हूँ। धंधे धोरी में 63 जन्म तुमने बताए हैं या मैंने बिताए हैं, तो धंधे धोरी की बातें तुम जानोगे या मैं जानूंगा। बाबा से कहेंगे धंधे में ये बात है तो बाप तो बता देंगे, हमारे रथ ने ये धंधा छोड़ दिया है, हमारे रथ ने ही ये धंधा छोड़ दिया। कौन सा धंधा? ये 63 जन्म तो धंधा धोरी करते रहे पेट के लिए, ये धंधा छोड़ दिया। ये पढ़ाई अच्छी लगी, इससे विश्व की बात ही मिलती है, बाकी और तो कोई सत्संग है नहीं। वो सब सत्संग नहीं है तो क्या है? लत्संग है। कोई गुरु का सत्संग चल रहा हो और बीच में उनसे कोई प्रश्न कर दे, या भरी सभा में उनका भाषण पूरा होने के बाद कोई प्रश्न कर दे, तो उठा के भगा देंगे या रखेंगे? भगा देंगे, तो लत्संग हो गया। यहाँ तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से बैठ समझाते और ही कहते हैं अंदर में जो किचरा है सो बाहर बाहर निकालो। ये तो जानते हो, सीढ़ी तो उतरनी ही होती है, ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता। दिन प्रतिदिन उतरती कला होती जाती है। अभी उतरती कला होती जा रही है, चढ़ती कला होती जा रही है, चढ़ती कला होती जा रही है। सगुना पाप का बोझा नहीं चढ़ रहा है? तो जब सगुना पाप का बोझा चढ़ेगा, 63 जन्मों में तो एक गुना पाप का बोझा चढ़ता था, तो भी उतरती कला होती रही, और यहाँ थोड़ा सा विकर्म हुआ और सगुना पाप का बोझा चढ़ा, तो चढ़ती कला हो रही है, गिरती कला हो रही है? जो नए नए आते हैं वो कहते हैं चढ़ती कला हो रही है, जो पुराने होते जाते हैं कहते हैं हमारी अवस्था तो नीचे जा रही है। चार अवस्थाओं से आत्मा पसार होती रहती है, चढ़ने में 1 सेकंड लगता है, ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड, तो ब्राह्मण सो देवता बनने में भी कितना टाइम? 1 सेकंड लगता है, और बाकी 5000 वर्ष की शूटिंग पीरियड में भी होती रहती है। एक बार चढ़ गए निश्चय बुद्धि हो गए कि बाप मिल गया, फिर उसके बाद बाप मिल गया ये तो बहुत अच्छी बात हुई, अगर बाप मिल गया और बाप के आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार ईमानदार बच्चे बन करके न रहे, कुछ न कुछ श्रीमत की वर्गिलाफी करते रहे, तो 100 गुना पाप का बोझा चढ़ना हो जाता है, तो अवस्था नीचे जाएगी ऊपर उठेगी।
नीचे जाएगी, इसलिए बोला दिन प्रतिदिन उतरती कला होती जाती है, लेकिन तुम्हारी याद की यात्रा की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। फायदा क्या होता है? घाटा तो हो रहा है, लेकिन वाटा घाटा तो होता ही है, लेकिन हमको विशेष प्राप्ति क्या हो रही है? याद की यात्रा हमारी प्रैक्टिस बढ़ रही है, नई दुनिया पुरानी होती जाती है। ये ब्राह्मणों की दुनिया का भी नया संगठन है, नया संगठन पहले नया होता है, फिर बाद में जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो बढ़ती हुई जनसंख्या पुरानी दुनिया में होती है या नई दुनिया में? तो दुनिया पुरानी होती जाती है, ज्यों ज्यों पुरानी होती जाएगी बाप से दूरी बढ़ती जाएगी। बाकी साक्षात्कार आदि सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं, जिस रूप में देखा हुआ होगा वही साक्षात्कार होगा। तो बाप कहते हैं तुमको इतना अतिचार धन दिया, फिर तुमने उस धन का क्या किया? तुमको मालूम है कितना तुमको सॉल्वेंट बनाया था, कुबेर का खजाना दिया था, हीरो जवाहरातों के महल थे। हीरो जवाहरातों के महल होते हैं क्या? हीरो जवाहरातों के महल होते हैं? नहीं, गर्मी नहीं हो जाएगी उसमें? मेटल का मकान होगा तो उसमें गर्मी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ जाएगी। हीरो जवाहरातों का मत महल का मतलब क्या हुआ? महल माना संगठन, किला संगठन। तुम्हारा जो संगठन था कैसी आत्माओं का संगठन था? हीरे जैसी श्रेष्ठ आत्माओं का, हीरो पाठधारी आत्माओं का तुम्हारा संगठन था। नई दुनिया जब पहले पहले बनेगी तो उस नई दुनिया में मोती माणिक होंगे या हीरो का संगठन होगा? कौन से हीरे होंगे? अष्टदेव हैं, वो सब क्या हैं? हीरे हैं। उनकी भेंट माणिक से नहीं की जा सकती, पन्ना से नहीं की जा सकती, मूंगा से नहीं की जा सकती, वो सब असल सूर्यवंशी हैं। तो देखो, पहले हीरे के महल थे, फिर ड्रामा अनुसार उतरते आए हैं। पहले भारत सॉल्वेंट था ना, अभी यह गरीब बन गए और वह दूसरे धर्म वाले साहूकार हो गए हैं, फिर रिटर्न वहां से ही लेते हैं, हिसाब किताब सारा चुकतू हो जाएगा। तो ये खेल है समझने का और मेहनत भी है इस बात में। याद की यात्रा से इच्छा मात्र अविद्या बनने की मेहनत है। क्या बनना है? इच्छा मात्रम अविद्या। बाप आते ही आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते, तो हम कोई इच्छा क्यों करें? पाना था सो पा लिया। हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप आकर पढ़ाते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, जितना निश्चय बुद्धि होकर के पुरुषार्थ करेंगे उतना प्राप्ति करेंगे। संशय बुद्धि विनश्यते, निश्चय बुद्धि विजय। पूरा निश्चय रहे तो खुशी का पारा चढ़ता रहे, खुशी उतर जाती है, खुशी का पारा उतर जाता है, इससे क्या साबित होता है? कोई ना कोई बातों में संशय आ रहा है। ये बेहद का ड्रामा है और तुम इस बेहद के ड्रामा के एक्टर्स हो। सचमुच में बहुत थोड़े एक्टर्स होते हैं,
एक भारत खंड था, दूसरा कोई भी खंड नहीं था। अभी फिर वही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। इस ड्रामा को अच्छी से समझना है और इसे समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बुलाते ही वो आकर के पावन बनाने का रास्ता बताओ। आकर के क्या करो? पावन बनाने का रास्ता बताओ। रास्ता बता करके चले जाओ, ऐसे कहते हैं क्या? क्या चाहते हैं? पावन बनाने का रास्ता बताने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, रास्ता बताने के साथ साथ पावन बना करके हमें साथ ले जाओ। बाप कहते हैं मैं जब आता हूँ तो आने के बाद क्या करता हूँ? सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ, पतितों को पावन बनाकर पावन आत्माओं को दुखों से मुक्त कर देता हूँ। कोई तो सिर्फ मुक्ति पाती है, मुक्ति धाम में चली जाती है, और उनसे भी अच्छी कौन है? जो सिर्फ मुक्ति ही नहीं पाती, जीवन में रहती भी है और जीवन में रहते रहते दुख नहीं भोगती, दुख अनुभव नहीं करती, सिर्फ सुख ही सुख अनुभव करती, उनको कहेंगे जीवन मुक्त। देखो क्राइस्ट आया, वो किसको ज्ञान देता है? जो उसको गुरु कहे। गुरु तो ज्ञान देना चाहिए ना, ज्ञान से तो सदगति होती है, ज्ञान से तो मुक्ति मिलती है, तो मुक्ति तो किसी की होती नहीं, और ही उनके पिछाड़ी आने वाले बंधन में बंधते जाते हैं। खुद क्राइस्ट की आत्मा भी बंधन में बंध जाती है, इसमें प्रवेश करती है, उसके संग के रंग में आ जाती है। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें भगवान बाप आ करके हमको पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। 10 अप्रैल 1968 की वाणी का चौथा पेज। अच्छा, बच्चों को फिर सवेरे उठना भी है, ये अच्छा है। अमृत वेले याद करने से तुम्हारी कट जल्दी जल्दी उतरती जाएगी। अमृत वेले का फाउंडेशन सारा दिन तीव्र पुरुषार्थ कराता है। फाउंडेशन वेला अच्छी होगी तो सारा दिन अच्छा जाएगा। तो इसमें एकांत तो बड़ी अच्छी चाहिए। किसमें? अमृत वेला तो एकांत तो होता ही है। सन्यासी भी गोरख धंधे से निकल जाते हैं। तुमको सन्यास तो नहीं करना है, जैसे पवित्र आए थे वैसे ही पवित्र बन करके जाना है। अंत मते सुगते हो जावेगी, अंत में जितनी बुद्धि पवित्र होगी, जितना ही इच्छा मात्र में अविद्या होंगी, बुद्धि एकदम साफ हो जाएगी। ऐसा स्कॉलरशिप बहुत थोड़े लेते हैं। कितने हैं? सिर्फ 8 निकलते हैं। दुनिया की आबादी कितनी है? 500-700 करोड़। और पुरुषार्थ करने वाले कितने? नहीं, पुरुषार्थ तो बहुत बढ़ते हैं, लेकिन निकलने वाले सिर्फ 8 ही होते हैं। तो बच्चों को याद में सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप सिर्फ सिखलाते हैं ऐसे चक्रवर्ती बनेंगे। कौन? जो सुदर्शन चक्र घुमावेंगे वो सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे।
सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो चक्रवर्ती राजा बन जावेंगे। चक्रवर्ती राजा माने सारे देश का एक ही सम्राट। दुनिया भी इस चक्र को नहीं जानती है। कौन सा चक्र? विचार सागर मंथन। हमारी आत्मा ने 84 के चक्र में कैसे कैसे कहां कहां क्या क्या पार्ट बजाया, कौन से ग्रुप के साथ पार्ट बजाया, कौन से धर्म विशेष में, कौन से धर्म खंड विशेष में कहां कहां कैसे कैसे पार्ट बजाया, वो सारा बुद्धि में क्लियर होता जाए। परंतु ये क्लियर किसको होगा? जो सर्विस फील्ड में रहेंगे, जो बाप ज्ञान सुनाया है उस ज्ञान को दूसरों को सुनाते रहेंगे तो ये ज्ञान रतन, जैसे रतन घिसा जाता है हीरे को, क्या करते हैं हीरे को, अगर घिसे नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। हीरे को जैसे जैसे जितना जितना घिसते जाते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ऐसे ही बाप ने आकर के ब्रह्मा के तन से ये ज्ञान रतन तो दिए, लेकिन इनकी वैल्यू कब होती है और इनकी वैल्यू किनके पल्ले पड़ती है? उन आत्माओं के पल्ले पड़ती है जो दूसरों को ईश्वरीय ज्ञान देने में लगे रहते। अगर ईश्वरीय सेवा करते हैं तो उनकी बुद्धि में वो चक्र घूमता रहता है, विचार सागर मंथन होता रहता है। क्यों क्यों होता रहता है? क्योंकि बाप कहते हैं मैं सबसे उन बच्चों को याद करता हूँ। क्या जो बच्चे बैठे बैठाए रहते हैं अपने पेट के धंधे धोरी में ही लगे रहते हैं, गोरख धंधे में ही लगे रहते हैं, उनको याद नहीं करता हूँ? उनको याद करता हूँ। सबसे उन बच्चे हैं सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, उनको मैं याद करता हूँ। तो जिनको बाप याद करेगा उन बच्चों की बुद्धि का योग बाप के साथ खींचेगा या नहीं खींचेगा? खींचेगा। तो उन आत्माओं का जो मनन चिंतन मंथन है, सुदर्शन चक्र है, बहुत तेज घूमता रहता है। और जो जितना सुदर्शन चक्र घुमाता है उतना बड़ा चक्रवर्ती राजा बनता है। तो दुनिया तो इस चक्र को नहीं जानती, दुनिया की बुद्धि तो अपने अपने धम चक्कर में लगी हुई और तुम्हारी बुद्धि सुदर्शन चक्र में लगी हुई। तुम बाप को और रचना के आज मध्यंत को जानते हो। अच्छा, बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप। आज का अगला रात्रि क्लास है 11 अप्रैल 1900। बाप बच्चों से पूछते हैं ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी नहीं है? नहीं। क्यों? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना नहीं हुई है? हुई तो ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी को स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। क्यों क्यों कहेंगे? स्पिरिचुअल माने आत्मा, स्पिरिचुअल माने आत्मिक, स्पिरिचुअल ज्ञान आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा ही देता है या ब्रह्मा देता है? परम पिता। जब कहते हैं परम पिता तो पिता के रूप में ही देता है या माता के रूप में देता है? माता के रूप में देता है, पिता के रूप में देता है। माता के रूप में जो ज्ञान मिलता है वो वास्तव में गीता ज्ञान अमृत नहीं है,
अमृत मंथन करने से निकलता है या बिना मंथन किए अमृत या मक्खन निकल आता है? मंथन करते हैं तो अमृत निकलता है। तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में क्या किया? सुनने वालों ने सुना, सुनाने वाले ने सुनाया। जैसे भक्ति मार्ग में कथा करते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, सुनाने वाले सुनाते हैं। उन बातों के ऊपर गहराई से विचार तो कोई करता ही नहीं। और यहाँ तो वास्तव में स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी सिर्फ स्पिरिचुअल फादर ही खोलते हैं, ब्रह्मा नहीं खोलता है। क्या कहा? ब्रह्मा भी जो यूनिवर्सिटी खोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, उसमें भी बाप सुधार करते हैं। कहते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखना ये टोटल रंग है। क्या करो? प्रजापिता शब्द ऐड करो, नहीं तो लोग कहेंगे ये अपनी अम्मा का नाम क्यों बताते हैं। सिर्फ बार बार पूछा जाता है तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा अम्मा कुमार, बड़ी अम्मा कुमार, ऐसे ही बोलते हैं। बाप का नाम क्यों नहीं बताते? कोई दाल में काला है, पता नहीं इसका कोई बाप है या नहीं, तो खराब दृष्टि से देखा जाता है। तो बाप कहते हैं प्रजापिता शब्द जरूर डाल। फिर अभी क्या कहते हैं? अभी पूछते हैं स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी सिर्फ तुम्हारी कहेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल गॉडफादर तुमको आकर डायरेक्ट सुनाते हैं। इसमें बच्चों को क्या मिलता है? स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में मिलता क्या है? स्पिरिचुअल है तो स्पिरिट का ही ज्ञान मिलेगा ना। स्पिरिट माने आत्मा। बताओ, दो अक्षर में बताओ, आत्मा को क्या चाहिए? परमात्मा चाहिए। परमात्मा मिल गया, जाओ घर जाओ। अरे परमात्मा भी किस लिए चाहिए? ज्ञान दे और क्या करे? ज्ञान दे के चला जाए। हाँ, ज्ञान से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले। तो इस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में बच्चों को मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो ये राइट बात है, सुख और शांति मिलती है। सुख कहेंगे जीवन मुक्ति और शांति कहेंगे मुक्ति। यहाँ तो इस दुनिया में दुख ही दुख है। सुख और दुख ये चक्र तो हमने समझ लिया। शांति के लिए कितनी रणियां मारते रहते हैं। हीरो हीरोइन का पार्ट तुम बच्चे बजाते हो। तुम्हारा नाम सभी से बाला है, जिसको कोई जानते भी नहीं है। बाप आकर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाते हैं। क्या कहा? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ब्रह्मा बाबा किसको पढ़ाते थे? शूद्र कुमार कुमारियों को। वो तथा कहते थे ब्राह्मण किसको पढ़ाते हैं? जब संदेश देते हैं नयों को, तो वो नए क्या होते हैं? पहले सूत्र होते हैं। उन सूत्रों को वो बेसिक नॉलेज दी जाती है। वो बेसिक नॉलेज लेने के बाद वो ब्रह्मा कुमार बनते हैं। फिर ब्रह्मा कुमारों को बैठ बाप शिक्षा देते हैं। जिस शिक्षा से शांति और सुख दोनों मिल जाता है। विश्व में शांति और सुख अभी ही मिलता है। बाप ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये सिर्फ बाप का काम है। वो ही धर्म पिता है, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी आकर के स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता। न किया है। गाते हैं,
ब्रह्मा द्वारा स्थापना, काई की स्थापना हुई, ब्रह्मन तो बना है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना नहीं हुई, ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, ब्राह्मणों की, ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, स्वर्ग की स्थापना नहीं हुई। तुम स्वर्ग हैवेन के मालिक बन रहे हो ना, और देखो कितना सहज है, बाप का बनने से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो बाप का बनने से तुमको ये पद मिलता है। अभी तुम प्रश्न क्या पूछेंगे, बाप को जानने से वर्षे को जान लेते हो, बाकी जानने का तो कुछ रहता ही नहीं है, ड्रामा को भी अभी समझ जाते हैं, एक्ट बिल्कुल एक्यूरेट चलता रहता है, त्योहार सभी संगम युग की महिमा है, बेहद के बाप की जो एक्टिविटी है उनके त्योहार मनाए जाते हैं। भक्ति मार्ग में अनराइटियस है, बिना सोचे समझे आगा पीछे को जाने ऐसे ही मनाते रहते हैं, और अभी तो तुम राइटियस काम करते हो, बाप आकर के तुमको राइटियस बनाते हैं, बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको उल्टा बनाते हैं, और रावण आकर के हमको उल्टा बनाए देता है, उल्टा बनाए देता का मतलब है? उल्टा तो उल्लू लटकता है, चमगादड़ लटकता है कि उल्लू, चमगादड़ उल्लू उसको बताया है कि उल्ला, उल्लू उल्टा लटकता है। अच्छा अब वो उल्टा लटकता है और हम सुलटे तो अंतर क्या होता है, है? उल्टा जब होता है तो मुंह किधर हो जाता है, जमीन की तरफ हो जाता है, मिट्टी की तरफ, और जब सुलटा कर देते हैं तो मुंह कहाँ हो जाता है, आसमान की तरफ हो जाता है। तो अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, रावण आकर हमको नीचे गिराए देता है, नीचे गिरा देता है माना, क्या गड्ढा खोद के गड्ढे में हम अपनी मुंडिया लगा देते हैं, है? नहीं, ये देह मिट्टी है, मिट्टी में रावण हमारी बुद्धि को जुटाए देता है, और बाप आकर देह रूपी मिट्टी से हमको निकाल करके स्वर्ग में ले जाते हैं, जहाँ देवताओं की बुद्धि देह की मिट्टी में नहीं लगती। तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है बाबा अभी हमको उल्टा बनाते हैं, भक्ति मार्ग में हम पुजारी बन पड़ते हैं, तुम जो कुछ करते हो अभी राइटी ऐसी करते हो, तो सभी को बतलाना चाहिए शिव बाबा हमको सन्मुख बताते हैं। अभी शिव जयंती तो है ना, शिव बाबा आते हैं, अवतार लेते हैं, स्वर्ग स्थापन करेंगे, नरक का विनाश भी जरूर करेंगे, तुम जो स्थापना करते हो फिर पालना भी जरूर करेंगे, तुम हो अननोन वॉरियर, इतनी बड़ी दुनिया है तुमको कोई नहीं जानता, परंतु तुम वेरी वेल नोन वॉरियर, तुम शास्त्रों में तुम्हारी कितनी महिमा हो जाएगी। बाप कहते हैं मेरे को कहते ही हो ज्ञान का सागर, बाकी तो सब भक्ति ही भक्ति है, दिल में आता है बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे, बाबा भी समझते हैं बच्चे स्वर्ग का वर्षा ले रहे, वो तो हो गई हद की बात, और ये है बेहद की बात है? क्या मतलब, लौकिक बाप से बच्चे क्या चाहते हैं, कि हमको बाप इतना कमाई कमा के रख जाए कि हम सुखी रहें, वो अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म का, वो भी मिले मिले न मिले, और ये बाप तो 21 जन्म की गारंटी करते हैं,
ये बेहद की बात है। तुम्हारा हद और बेहद दोनों को जान गए, दूसरे तो सिर्फ हद को ही जानते, बेहद को तो जानते ही नहीं है। अनुभव भी यही सुनावेंगे, हम बाप के बने हैं, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए आए हैं। हर 5-4 वर्ष बाद फिर आकर के तुम अपना अपना वर्षा लेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे, फिर चढ़ेंगे। तो आना और जाना, सीढ़ी उतरना और चढ़ना, बच्चे अगर कहाँ मुझते हो तो तुम पूछ भी सकते हो। क्या यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई को मुंह बंद करने के लिए बैठाया जाता है? क्या कि क्लास में बोलना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात में मुझान होती है तो पूछ सकते हो। हर बात में पुरुषार्थ तो जरूर होता है, इस समय के पुरुषार्थ से ही हमारी प्रारब्ध अविनाशी बन जाती है। वहाँ है ही सुख, यहाँ है दुख धाम। तो शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, कितने धाम हुए? 3 धाम। 3 धाम के मुखियों के नाम बताओ। 3 धाम है, सुख धाम शांति धाम। अच्छा, सबसे ऊंचे से ऊंचा धाम कौन सा है? शांति धाम। सबसे नीचे से नीचा धाम कौन सा है? सुख धाम। और मीडियम सुख धाम। तो इनके मुखिया का पता नहीं चला? क्या पता चला? मुखिया रावण है। सुखधाम का मुखिया रावण है। सुखधाम, सुखधाम, सुखधाम का मुखिया रावण है। और ब्रह्मा बाबा रावण। 3 तबके हैं। ब्रह्मा बाबा है सुखधाम की ओर, शंकर है शांति धाम की ओर, और विष्णु है न दुख धाम में न शांति धाम में, कहाँ है? सुख धाम में। तो 3 तबकों में 3 मुखिया बैठे हुए हैं। एक है दुख धाम का हेड, एक है सुख धाम का हेड, और एक है शांति धाम का हेड। ये तो बड़ी विचित्र बात निकाल दी। ब्रह्मा बाबा को लौकिक दुनिया में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें किससे टैली किया गया? गांधी जी से टैली किया गया। गांधी जी भी क्या चाहते थे? राम राज्य चाहते थे। राम 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 मुख से निकलता था, परंतु राम राज्य तो आया नहीं, और ही क्या क्या आ गया, और ही रावण राज्य आ गया। माँ बाबा क्या चाहते थे? रावण राज्य चाहते थे। ब्रह्मा बाबा भी राम राज्य चाहते थे। राम राज्य आवेगा, सुखधाम आवेगा, सुखधाम में जाकर के मैं कृष्ण बनूंगा, ये चाहते थे ना। फिर क्या हुआ? अभी और ही दुखधाम बन गया। तो ब्रह्मा को दुखधाम की ओर रखा गया। ये क्या बात हुई? ब्रह्मा के द्वारा दुखधाम क्यों? ब्रह्मा के द्वारा तो स्वर्ग के गेट खोलने की बात मुरली में कही गई है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो देखा गया कि ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग के गेट नहीं खुले, और ही घर घर में वैश्यालय बनता जा रहा है। कौन से घर में है? ब्राह्मणों की दुनिया में। तो जो ब्राह्मणों की दुनिया में विचार बढ़ता जा रहा है, रावण राज्य बढ़ता जा रहा है,
इस रावण राज्य को खलास करने के लिए फिर बाप को आना पड़ता है। और बाप माँ के रूप में नहीं आते, किस रूप में आते हैं? बाप के रूप में। बाप बाप के रूप में आते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी भगवान के माँ का रूप नहीं दिखाया जाता, कौन सा रूप दिखाया जाता? बाप का रूप दिखाया जाता। पुरुष रूप में ही भगवान दिखाया जाता है, स्त्री चोले में भगवान नहीं दिखाते। ऐसे नहीं कि गुलजार दादी में भगवान आएंगे तो भक्ति मार्ग में उनकी पूजा होगी। भक्ति मार्ग में भगवान का रूप पुरुष चोले में मानते हैं या स्त्री चोले में मानते हैं? पुरुष चोले में मानते हैं। तो भगवान जब आवेंगे तो जरूर ज्ञान सुनावेंगे, और जो ज्ञान सुनावेंगे उसमें नई बात निकलेगी। कौन सी नई बात? कि दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ? देहधारी गुरुओं से होती है दुर्गति, और निराकार शिव बाबा से होती है सदगति। देहधारी गुरु लोग जो हैं वो अपन को भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। क्या समझते हैं? मैं ही भगवान हूँ। मुख से बोलते भी हैं शिवो हम, मेरे में शिव आता है। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते थे? है? मेरे में शिव आता है ये कहते थे या नहीं? मानते थे या नहीं? मानते थे। तो दुनिया भी गुरुओं में और ब्रह्मा बाबा में फिर अंतर क्या हुआ? है? बाबा तो कहते हैं, जो कहते हैं कि मेरे अंदर शिव बाबा है या मैं शिव हूँ, वो बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप हो जाते हैं तो फिर उनको गुरु कहेंगे कैसे कहेंगे? गुरु तो सदगति करने वाला होना चाहिए, और जो गुरु सदगति करने वाला होगा तो उसकी अपनी सदगति होगी या दुर्गति होगी? अपनी तो सदगति होनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या? जब शरीर छूटा तो कैसी मौत हुई? हार्ट अटैक हुआ। मुरली में तो बोला हुआ है, ब्रह्मा के मुख से जो सब शिव ने मुरली चलाई, उस मुरली में तो ये वाक्य आया है कि योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता, और उनका हार्ट फेल हो गया। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जो हेड है उसी का हार्ट फेल हो जाएगा, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा जो उनको फॉलो करेंगे? उनका भी हार्ट फेल होता जा रहा है। तो इससे क्या मतलब क्या निकला? इससे मतलब ये निकला कि ब्रह्मा की पूजा शास्त्रों में नहीं दिखाई गई है, मंदिरों में ब्रह्मा की पूजा नहीं दिखाई गई है, मंदिरों में मूर्तियां नहीं दिखाई गई हैं, न उनकी मूर्तियां बनती हैं, न पूजा होती है, और न ब्रह्मा के मंदिर बनते हैं। क्यों नहीं बनते? कारण क्या हुआ? क्योंकि ब्रह्मा के बच्चों ने ही ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, इसलिए ब्रह्मा का नाम बजाय बाला होने के नाम सरनाम नहीं हो पाया, इसलिए ब्रह्मा को दुखधाम के तबके की ओर बैठाया गया। पूजा किसकी होती है? पवित्र की पूजा होती है या पवित्र की पूजा होती है? ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, दाढ़ी मूछा पवित्र मनुष्यों को होती है या देवताओं को होती है? अपवित्र मनुष्यों को दाढ़ी मूछ होती है, इसलिए उनको दुखधाम की ओर दिखाया गया। विष्णु को और शंकर को दाढ़ी मूछ नहीं देते हैं। शंकर को अगर दाढ़ी मूछ देते भी हैं तो उनका पुरुषार्थी जीवन दिखाया गया है। पहले है काला, फिर होता है गोरा, अर्थात पहले श्याम फिर सुंदर। वो संगम की कृष्ण की बात हो जाती है, परंतु शंकर का पार्ट अपने जीवन काल में कभी भी ये नहीं कहता कि मैं शिव हूँ या मैं शंकर हूँ या मैं प्रजापिता हूँ या मेरा ब्रह्मा का पार्ट है या मेरा हीरो पार्टधारी है। जो अपने आप अपने मुख से अपनी बात कहे कि मैं भगवान हूँ, तो वो तो ऐसे हो जाता है जैसे थोथा चना बाजे घना। और ब्रह्मा बाबा ने अब तक भी
ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रही है कि मैं गीता का साकार भगवान नहीं हूँ। क्या समझे बैठे अभी भी? गीता का साकार भगवान अगर इस दुनिया में कोई है तो कौन है? दादा लेखराज कृष्ण किशोर। और यही सारे अकर्तव्य की जड़ हो जाती है। अगर उनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि मैं गीता का भगवान नहीं हूँ, गीता का भगवान तो निराकार स्टेज धारण करने वाला परम पिता शिव शंकर भोलेनाथ ही है, जिस दिन ये बात उनकी बुद्धि में बैठ जाएगी वो ब्रह्मा भी क्या बन जाएगा? ब्रह्मा भी विष्णु की कैटेगरी का बन जाएगा। तो बोला कि शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये तीन धाम हैं। तुम इन तीनों धामों में चक्कर लगाते रहते हो, कभी रावण के दुख धाम में चले जाते, कभी सुखधाम में तुम्हारी बुद्धि चली जाती, और कभी इच्छा मात्रम अविद्या शांति धाम में शांति में आकर के बैठते हो। बच्चों को ये अनुभव बताना चाहिए कि बाप की मुरली सन्मुख सुनने से क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है? अगर वही मुरली हम टेप रिकॉर्डर से सुने या टेलीविजन में देखें तो क्या नुकसान हो जाएगा? वही मुरली हम कागज में पढ़ करके सुने या कोई कागज में पढ़ करके हमको सुनाए तो क्या नुकसान हो जाएगा? मुरली तो वही है, अंतर क्या पड़ेगा? हाँ, जो सन्मुख बाबा मुरली सुना देंगे उस मुरली में बाबा की दृष्टि भी मिलेगी, उस दृष्टि के साथ साथ वाइब्रेशन भी मिलेगा। लेकिन टेलीविजन में जो मुरली सुनेंगे उसमें हाव भाव तो मिलेगा जो टेप रिकॉर्डर में नहीं मिलता, लेकिन वाइब्रेशन नहीं मिलेगा और दृष्टि भी चैतन्य में नहीं मिलेगी, तो बहुत भारी अंतर पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो यहाँ बाप के घर में कोई गोरख धंधा आदि तो है नहीं, क्या गोरख धंधा क्या होता है? गौ माने क्या? कन्या माता है। गौ माने क्या? कन्या माता है। गैया, साधु सन्यासी होते हैं वो तो जानवर गऊओं को गैया मानते हैं, वो जानवर गैयों की पूजा करने से कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है, ये तो चैतन्य ह्यूमन गैया हैं, जिन गऊओं की अगर पूजा करेंगे तो इसी दुनिया में स्वर्ग बन जाएगा। कहते भले हैं शास्त्रों में लेकिन मानते नहीं हैं। क्या? यत्र नारियस्त पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताएं रमण करते। ये कन्याएं माताएं ही देव गौएं हैं, उन गौओं की रक्षा करना का धंधा, उन गौओं की रक्षा करने का धंधा ही कहा जाता है गौरख धंधा, वो मनुष्य गुरु करते हैं। भगवान को ये धंधा करने की भी कोई दरकार नहीं है, स्वतः ही जो श्रीमत पर चलते हैं उन श्रीमत पर चलने के अनुसार उन गौओं की अपने आप ही रक्षा होती रहती है। अगर श्रीमत के अनुकूल नहीं चलती है, बाप कहते हैं दुख न दो सुख दो और सुख लो, हर गौएं अगर दुख देती है दुख लेती है धम चक्कर मचाती है, चाहे गीता पाठशाला में हो, चाहे मधुबन में हो, महा मधुबन में हो, मिनी मधुबन में हो, और चाहे अपने अपने घर में हो, अगर धम चक्कर मचाती है सुख रूपी दूध नहीं देती है तो मुरली में क्या बोला है? जो गौएं सुख रूपी दूध नहीं देती है उनको कसाईयों को कटाने के लिए डाल दिया। अभी वो समय आने वाला है, विनाश का टाइम आएगा,
इस विनाश के टाइम में जिन्होंने ये रियलाइज कर लिया होगा कि हम बाप की श्रीमत की लीका हम तोड़ते रहे, जैसे सीता ने क्या किया, श्रीमत की लीका को तोड़ दिया, तो रावण की जेल में चली गई, ऐसे अभी भी अनुभव करेंगे। तो बाप कहते हैं यहाँ कोई गोरख धंधा आदि नहीं है, बाप तो मस्त है, जो श्रीमत पर चलेंगे सुख पावेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो दुख पावेंगे। घर में जाने से फिर वह रिफ्रेशमेंट ठंडी हो जाती है, यहाँ आते हो तो तुम रिफ्रेश हो जाते हो, सात रोज की भट्टी भी यहाँ है, कोई भी खिटपिट की बात नहीं है, इसलिए बच्चे आते हैं यहाँ रिफ्रेश होने के लिए। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।